नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों कल आर ओ आर ओ की परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि जो कि किसी भी डायरेक्शन से जो है बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब आप ये कह लें कि ऐसी न्यूज जब भी सामने आती है ना तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा डाउन होता है। और मैं बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। फिलहाल इस परीक्षा को कौन कराता है तो भैया यूपीपीएससी जैसी संस्थान कराती है, ठीक है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी संस्थान जिस परीक्षा को कराए अगर उस परीक्षा पर सवाल उठने लग जाए तो ये किसी भी डायरेक्शन से ये सही नहीं है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जो सवाल उठे हैं क्या वो सही है या गलत है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट हां इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं से आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है, ठीक है। चिंगारी तो लगी है, इतना तो आप कंफर्म मानिए। जिस तरीके से बच्चे जो है सोशल मीडिया पे आकर के, और आपने वीडियो देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, हर जगह देखा होगा, और उम्मीद करता हूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप तक वीडियो पहुंच चुका होगा। कुछ बच्चों का आरोप है कि पेपर का जो सील होता है वो ऑलरेडी खुला हुआ उन्हें प्राप्त हुआ है, उस चीज को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों ने आवाज उठाया। तो वहीं कुछ बच्चों का आरोप है कि पेपर पहले से आउट है। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि यूपीपीएससी जिस भी परीक्षा को कराती है ये बहुत कम देखने को प्राप्त होता है कि इस तरीके के कुछ जो है बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि यूपीपीएससी एक विश्वसनीय संस्थान है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस भी परीक्षा को कराता है तो बहुत टाइमली उसका सारा कुछ शेड्यूल होता है और बहुत व्यवस्थित तरीके से। और मैं बता दूं कि इसके पहले मुझे जो है इस तरीके के बहुत ही कम न्यूज़ें जो है मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन ये न्यूज जो मिला है ये किसी भी जो है कि डायरेक्शन से सही नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीपी की भी परीक्षा, जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, वो भी आपका 17 और 18 को है। और सबसे बड़ी बात कि ये भी पेपर आपका ऑफलाइन ही है, और इसमें भी 80% से अधिक बच्चों का जो सेंटर है वो उनके ही जनपद में प्राप्त हुआ है। तो आप बताइए जरा, जब आर ओ आर ओ जैसी परीक्षा के होने के बाद इस तरीके के न्यूज जब सामने आएंगे तो ये यूपीपी जैसी परीक्षा में फिर क्या होगा? कैसे हम विश्वास कर ले कि ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है ये पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि आर ओ आर ओ की जो परीक्षा है ये आपका कल जो हुआ था उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई जगह इसको लेकर के बच्चों ने जो है बवाल किया है, और सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप तक पहुंच चुका होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी परीक्षा के बारे में ऐसी समाचारें जब प्रकाशित होती हैं उससे सबसे ज्यादा जो तकलीफ होता है वो उस बच्चे को होता है जिसे अपनी मेहनत पे भरोसा है, जो इस तरीके की असंवैधानिक गतिविधियों पे विश्वास नहीं रखता है, जो अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है, उन बच्चों का दिल सबसे पहले टूटता है। रीजन है, आप जब मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज का आपने सपना देखा है, जिस चीज के लिए आपने मेहनत किया है, पिछले कई महीनों से, पिछले कई रातों से आप जग करके तैयारी किए हैं, और जब उसी परीक्षा को देने के बाद जब आप घर लौटते हैं और जब उससे रिलेटेड इस तरीके के समाचार जब आपको प्राप्त हो तो स्वाभाविक है कि अंदर से आत्मा दुखी तो होगा ही, किसी की भी। और दोस्तों मैं बता दूं कि अक्सर मैं देखता हूं और किसी भी ऑफलाइन पेपर के बाद इस तरीके के क्यों न्यूज आते हैं, ऑफलाइन छोड़िए अब तो ऑनलाइन में भी ऐसे ऐसे न्यूज आ रही हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का भी हाथ होता है, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं चाहेंगे तब तक कैसे कोई नकल माफिया जो है इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। बच्चों का हाथ होता है, लेकिन वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जिनको कैसो भी करके बस केवल नौकरी लेना है। वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, मैं उनको स्टूडेंट में काउंट नहीं करूंगा। ऐसे बच्चे जो भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं या फिर शामिल होने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों को मैं कभी भी स्टूडेंट में काउंट नहीं करूंगा। मेरे नजर में वही बच्चा स्टूडेंट है, मेरे नजर में वही बच्चा सिलेक्शन के लायक है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, जो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहता है। और ईमानदारी से सिलेक्शन लेने का मजा कुछ और है, भले ही आप कांस्टेबल ही क्यों ना बनो यार, कांस्टेबल और आईएएस, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस और सबसे छोटा यूपीएससी, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी और सबसे छोटा, अगर आप ऐसे देखें पुलिस विभाग में देखें अगर आप, तो एक आप यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस बनते हो डायरेक्ट, एक आप कांस्टेबल का पद जो है सबसे छोटा है।
लेकिन मैं मानता हूं कि ईमानदारी से लिया हुआ नौकरी सबसे बड़ी होती है, चाहे वो कांस्टेबल की ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत आपने देखा होगा यूपीएसआई के दौरान भी इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ सामने आई, बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी दिया लखनऊ में, लेकिन खैर उसमें माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला था वही सर्वोच्च फैसला माना गया, खैर उसको छोड़ देते हैं, वो बात बीत चुकी है। लेकिन फिलहाल आरओ यारओ की परीक्षा, जो कि इतनी बड़ी संस्थान यूपीपीएससी जैसी संस्थानें जब उसको कंडक्ट करा रही हैं, अगर उस परीक्षा पे इस तरीके के सवाल उठने लग जाए तो वो कहीं से भी सही नहीं कहूंगा मैं। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जितने बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फाइनली आप लोग सुन लीजिए कि सेफ स्कोर, आप लोग कहते हो ना कि सर आप सेफ स्कोर इतना अधिक क्यों बताते हैं, इतना अधिक क्यों बताया आपने सेफ स्कोर? भाई मैंने सेफ स्कोर इतना अधिक बताया है, 5-10 नंबर इसलिए अधिक बताया है, उसका रीजन है, उसका रीजन आपको परीक्षा देने के बाद समझ में आएगा। आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप मेहनत से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपको इस बार सेलेक्ट होना है तो आपको थोड़ा सा अधिक नंबर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज को नहीं भूल सकते हैं कि पेपर जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को सेंटर दिया जा रहा है। 80% से अधिक मैंने सर्वे कराया था, उसमें 30,000 से अधिक बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, उसमें वोट किया है, उसमें 84% बच्चों का जो सेंटर है वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका तो आसी पास मिल गया है, मतलब 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस तरीके से। तो आप सभी अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा जो है कि फोकस करें अपने पेपर पर, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक नंबर लाएं ताकि आप सिक्योर रहें, आप बिल्कुल सेफ रहें। दोस्तों खैर जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, आप सभी को इस जैसी जितनी भी न्यूज़ें हैं, आरओ यारओ का जो पेपर लीक हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में आपको भी पता चला होगा, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है, अपनी तैयारी पर फोकस करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।